तो इस पैर में गेट नोट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से जो बुढ़ावलिया ने आके जो भी लड़ाई झगड़ा हो रही थी वो सब यहां पे शांत कर देता है। मोटा वहां से भाग रहा था, मोटे के सामने रहता है, वो कहता है मोटे तू यहां पे क्या कर रहा है। मोटा कहता है मैं तो बस एक टूरिस्ट हूँ घूमने के लिए यहाँ पर आया था। बुढ़ावली कहता सच्ची में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। मोटा चिल्लाते चिल्लाते भागता कि बचाओ बचाओ बचाओ, यह साला बुढ़ावली मेरे ऊपर हमला कर रहा है बचाओ। बुढ़ावली भी लाइक यार मेरी इज्जत यहाँ पे डुबा रहा भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे छोड़ो भाई चाइनीज में कह रहा है, किसी को समझ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लूश आए हुए ना वो कॉल करके मोटेली को बुलाती है, अपना एड्रेस वैड्रेस देती है कि भाई यहाँ पे आ जाना। वहाँ पे चल जाता है, सोचता भी लूश ने मुझे बुलाया, आई डोंट नो क्या काम है। जैसे वो आता है ना तो घर के बाहर लूश हुआ लूश निकलते हैं। लूश कहती देखो भाई बुढ़ा तो वाकई में उड़ते यहाँ पर आ गया, जैसे मैंने बुलाया वैसे यहाँ पर आ गया। लूश बताना भाई तू कब से यहाँ पे उड़ना चालू करेगा। पीछे से यहाँ पे मोटा कहता है बुढ़ावली कहता है उड़ता तो अभी भी है, लेकिन जब बात आती फिजिकली उड़ने का जब वो ए रैंक पर जाएगा ना तब अपने आप उड़ना यहाँ पे चालू करेगा, क्योंकि उस समय तक तुम्हारा जो ओशन एनर्जी ना काफ़ी अच्छे से नेचुरल फॉर्म में आ जाता है तो तुम्हें उड़ने में यहाँ पे आसानी होती है। सामने से लूशु का तैयार, लेकिन मेरा ओशन एनर्जी तो ओपन ही यहाँ पे नहीं ना हुआ यार, डायरेक्ट स्नो माउंटेन हो गया ना, तो मैं तो शायद कभी उड़ भी नहीं सकता, मैं खाली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उछल सकता हूँ। सामने से मोटा कहता है बुढ़ाओ कहता है यार कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो जब तक आराम से यहाँ पे हो जाएगा। अभी के लिए भाई तेरा क्या प्लान है, ये कहता है अभी के लिए मेरा क्या प्लान है, अभी के लिए मेरा कुछ भी प्लान नहीं है यार, जो मेरा स्नो माउंटेन है ना भाई, स्नो माउंटेन बेसिकली यहाँ पे बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है, तो क्या उसके बाद यहाँ पे मेरा हो जाएगा ओशन एनर्जी। सामने से बुढ़ावली सोचता भी हो जाएगा यार ये सब के बाद ना, मैं अपने गया था सारे डॉक्यूमेंट मैंने छानबीन कर लिया, कोई सलूशन ही मिला, एक बार कंक्लूजन यहाँ पे मिल गया कि भाई मुझसे बुरा टीचर आज से पहले कभी कोई हो ही नहीं सकता। सामने से लूशु कहता भाई बोलो कुछ तो बोलो भाई, अचानक से शांत कैक होगा, ऐसा मत बोलो कि आपके पास कोई भी सलूशन नहीं है। सामने से बुढ़ाव कहता है कि वेल यार गुड क्वेश्चन, गुड इंग्लिश मैथ एंड प्लस साइंस क्वेश्चन। लूशु भी लाइक साले कल्टीवेशन क्वेश्चन है तो कहाँ घुस रहा है। मोटा कहता है अरे मोटे के बीच में दोनों कन्फ्यूज का एक हो जा रहा हूँ, बुढ़ावली यार वो मोटा लिए दोनों अलग है। बुढ़ावली कहता है कि वेल यार अरे यार इतने लंबे समय बाद यहाँ पे मिले हैं, खत्म करो सारी बातें, कल्टीवेशन के बारे में कौन बातचीत करता है, चलो अपने बारे में बात करते हैं। लूशु भी लाइक यार गद्दारी कर बे साला भाई, ये तो सीधा बात यहाँ पे पलट रहा है। लूश है उसे पूछता है बताओ यार लूश है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लूश है बताती है कि वेल जो मोटा लिए ना जो रूम ओपन होने वाला ना वहाँ पे आ रहा था, तो लूशु को उसने बोला है तो आप उन भी लूशु के साथ आ गई। बुढ़ावली चोट से चिल्लाता तो कहता है क्या उस मोटा वो पागल है क्या भाई, ये रियूस बड़ा डेंजरस है होता है यहाँ पे कह को तुमको लेकर आ रहा है। लूशु सामने से कहता नहीं लूश है तुम यहीं पे इंतजार करोगी, रियूस के मैं यहाँ पे जाऊँगा तुम्हारा इंतजार अपन बाहर करेगा। वो कहती नहीं नहीं मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। बुढ़ावली कहता कि नहीं नहीं यार तुम यहीं पर रुको डेंजरस यहाँ पर है। लूशु भी कहता है यहीं पर रुको, जोर से चिल्लाते हुए कहते नहीं लूशु तू जहाँ जाएगा अपन वहीं वहीं आऊँगी। जो सुंदर वो दोनों भी कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी माँ भाई आ जाना आ जाना आ जाना, ये बताना यहाँ पे चालू करता है बुढ़ावली, अपना डिटेल में बताना चालू करता है। कहता है इस वजह से रियूस बजेगा ना, इस रियूस का जो फॉर्मेशन है ना भाई ऑब्टेन करने की तू पूरी कोशिश यहाँ पे करना। देखो रियूस का फॉर्मेशन है मिला है यानी समझो भाई रियूस तुम्हारे अंडर में यहाँ पर आ गया, देखो फॉर्मेशन है मिलेगा उसके बाद तो रियूस अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो बाहर से डाओगे और जैसे किसी को मालूम चला कि बाई चांस तुम्हारे हाथ में है भाई फॉर्मेशन आया है, ऑफकोर्स भाई बंदे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन बाहर में हूँ ना बाहर में तुझे मिलूंगा तो अपन तुझे सारी मुसीबत से यहाँ पे बचा लेगा। जो सुंदर ये भी कहता है या बुढ़ावली समझ गया अब टेंशन नहीं खाली उस मोटेली का, यार मोटेली बड़ा अजीब बंदा आई डोंट नो कहीं भी जाएगा कुछ ना कुछ नोटंकी करेगा, रियूस में भी वो हो सकता है बाई चांस नोटंकी यहाँ पे कर दे, ऐसा समय आएगा ना मैं सीधा उससे अलग हो जाऊंगा और कहूंगा कि भाई ये गद्दे का बच्चा है बेकार यहाँ पर है, आई फकिंग डोंट केयर आई डोंट नो हु द फक ही इज। उतने में लूश आयो भाई अपना मोबाइल दिखा रही थी और कहते भाई हमारे पास ना एक सुअर भी है एक बिल्ली भी, हमने जमीन ऐसा लिया है गिलहरी अपनी ऐसी ऐसी करी है, तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बातें क्या दिखाओ, और उसको ज्यादा बुक पढ़ने की आदत है, बुक पढ़ते पढ़ते हमें आदत है थूक लगा के हम लोग पेजेस पढ़ते तो भी थूक लगा के मोबाइल ऐसा हिला रहा था तो नहीं हिलता स्क्रीन। सामने से लूश कहती बुढ़ाओ या थूक लगा के ना या तो किताब पढ़ जाती है या तो एक और गंदा सा काम किया जाता है, मोबाइल का स्क्रीन नहीं हिलने वाला। वो भी कहता सॉरी सॉरी मेरे को आदत है मोबाइल यहाँ पे रखो। देखो इस बार यूज के अंदर ना हमारा जो फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ बच्चे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, उसमें जो मेरा मेन डिसाइपल है जिसका नाम यहाँ पे वाई है वो भी रहेगा, वो भी पूरे टीम को यहाँ पे लीड करेगा, वो लोग भरोसे वाले तुम उनके ऊपर भरोसा यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन 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 यार उतना भी ज़्यादा दिल से भरोसा मत करना क्योंकि इंसान है भाई इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी रंग यहाँ पे बदल लेते हैं। सामने से ये कहता है यार मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका जो फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर में कोई ऐसा आपस में लफड़ा चालू है। जो सुनते ही बुढ़ावली कहता है बिल हाँ क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये टाइम जब बंदे अवेकर बनने लगे ना उससे पहले बेसिकली था बेसिकली, लेकिन उस समय भाई नहीं थे बंदे कल्टीवेटर रिसोर्सेस ऐसे पड़े रहते थे, लेकिन कल्टीवेटर बनने के बाद ना उनके रिसोर्सेस यहाँ पे चाहिए तो आपस में लोग फाइट वाइट करते हैं पूरी कॉन्ट्रोवर्सी होकर रखी है।
लेकिन अभी क्लेमे को जाना पड़ेगा। लोशा को अपना ध्यान रखना, लोशू का भी ध्यान रखना, अब कोई तुम्हें परेशान करे स्पेशली वो मोटली मेरे को बता देना। ओके गुड बाय, इतना बोल के निकल जाता है और तभी एक छूता के सीधे इनके सामने गिरता है जो कि मोटली का था और मोटली भी आता और कहता कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, जैसे घर में आया ना मेरे को बुढ़ौली दिखा यार, उसने देखते मुझे उठा उठा के पेल दिया यार, पटक के मेरी फाड़ के चार कर दी, किसी ने देखा तो नहीं ना। सामने से लोशू कहता नहीं नहीं किसी ने यहाँ पे देखा नहीं है, बस अपना जो टूटा हुआ मुँह है ना ये मुँह लेके बाहर मत जाना, बना कोई भी देख के पता लगा लेगा कि तेरी यहाँ पे कुटाई हुई है, घर के अंदर जा चेंज कर ले। सामने से ये कहता देख ले भैया सीढ़ी बड़ा डेंजरस है, जब तक तेरा लेवल मेरे बराबर नहीं हो जाता अकेले घूमना मत, वरना तेरी बैंड बजेगी, इसलिए मेरे साथ ही हमेशा रहना। लोशू सोचता भी अगर अकेले बंदा चल जाएगा ना वो ज़्यादा सेफ रहेगा, तेरे साथ जाने से तो अच्छा ही। सामने से लोशू पूछते कि बताओ यार आज रात को तुझसे कहाँ गए थे। सामने से ये कहता भाई कहीं भी गया हूँ, बाहर में जा क्या ना भाई, हम लोग काफ़ी लेट आए भाई और ढेर सारे कल्टीवेटर से ना एक महीने पहले यहाँ पर आ चुके थे, आते ना उन्होंने ढेर सारे ना कल्टीवेटर लोग का मार्केट यहाँ पे ओपन किया, जहाँ पे ढेर सारे कमाल कमाल के सामान मिलेगा, तो चलेगा मेरे साथ। लोशू सोचते भाई कल्टीवेटर का मार्केट यार मुझे को जाना, मेरे पास है ना 60 स्पीचो स्टोन भी यहाँ पे पड़े हुए, ढेर सारे आइटम भी आप यहाँ पे बाई कर सकते, इसलिए कहते ओके ठीक है भाई। बाहर यहाँ पे ना डिंग डोंग होता है, तो लोशू भी सोचता है डिंग डोंग, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे जाना चाहिए चेक करने के लिए, वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जो बुढ़ौली का डिसाइपल है ना वाई वो यहाँ पे आया था। लोशू भी लाइक यार ये यहाँ पे कई को आया, उसको याद आता है वाई को कि यहाँ भी लास्ट टाइम जब इसके साथ मिला था इसने मेरी कह के यहाँ पे ले ली थी, लेकिन ईश्वर मैं इसकी कह के ले लूँगा, मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहूँगा इंतजार करूँगा, सामने से यही सबसे पहले मुझसे कहेगा नाइस टू मीट यू। तो लिटरली वाई तो कुछ नहीं बोलता, लोशू भी ढीठा आदमी वो भी लिटरली कुछ नहीं बोलता, 10 मिनट से ज़्यादा गुजर जाता है और बाद में ना लोशू सामने से कहता है लेकिन नाइस टू मीट यू नहीं, बस अंग्रेजी में कहता है हेलो, तो बेचारा वाई इज्जत की धजिया उड़ जाती कह रही है इस बार, तो इसने बस हेलो बोल के मेरी पूरी की पूरी इज्जत यहाँ पे उछाल दी। तो वाई सामने से फिर इनविटेशन कार्ड निकालता है, इसको देता है, लेते हुए निकल जाता है, मतलब दे के निकल जाता है। लोशू भी खड़ा खड़ा के भैया तो बस देते निकल गया। और मोटर पूछता भी क्या ये कहते हुए, तूने बोला ना कि मार्केट खुल गया कल्टीवेटर लोग का, वहीं पर जाने का इन्विटेशन है, तो उस मार्केट के बाहर पहुंच जाता है। लोशू नोटिस करता है बापरे यहाँ पे तो ढेर सारे कल्टीवेटर है, लेकिन ई और एफ रैंक के भी इतने छोटे मोटे भी रहते हैं क्या। सामने से मोटर कहता है मेरी यूज पर उनका जानना जिंदा रह पाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आते मार्केट में चेक करने के लिए, कोई पेपर मिल जाए कुछ भी मिल जाए तो जो भी पैसा कौड़ी सब लगा के वो लोग लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। सामने से लोशू कहता अच्छा ठीक है बता भाई तू क्या यहाँ पे बाइक करने आया है। मोटा कहता बाइक करने आया नहीं भाई, मैं यहाँ पे बाइक करने नहीं बल्कि सेल करने यहाँ पर आया हूँ। लोशू मनी मन सोचता भी ये क्या सेल यहाँ पे करेगा यार, लिटरली ये तो सबसे गरीब आदमी यहाँ पर है, ध्यान जाता उसके पीठ पर जो वेपन उसका ना ड्रैगन स्पीयर वो गायब है, तो कहते कहीं उसको तो यहाँ तो बेचना नहीं चाहता। सामने से कहता ना ना इसको नहीं भाई, मेरे पास स्पीचर स्टोन यहाँ पे पड़े हुए हैं उसको बेचना चाहता हूँ। लोशू कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आई सी, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।